हमको मोबाइल पे दिखाया भी, देसी टारजन के नाम से सपाटा। जरा भाई आप खड़े हो जाओ, भारत के दर्शन सपाटे वाले, आप 10 घंटे लगातार सपाटे लगाते रहते हैं और पूर्ण आपको, आपने हमको परिचय बताया पत्रकार महोदय ने कि पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके केवल वेद लक्षणा गौ माता की कृपा से इतनी एनर्जी इन्होंने प्राप्त की, सपाटे लगाते रहते, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाद में हमको तो आपका, अभी जब हम अंदर गए चाय वाय पी रहे थे तो चाट खा रहे थे, जुकाम हुआ तो किसी ने कहा कि खट्टा मीठा नहीं खाना, तो हमने कहा कि चलो खट्टा ही मीठा खा लें। क्या कि ये जो बाहर आए हैं बहुत ही गौ माता के बड़े वाले भगत हैं, हमको प्रसन्नता हुई। और आपका वो गौमूत्र में, गौ गोबर में, गौ धूली में आपके तन को हमने वो उस चलचित्र के माध्यम से देखा, हमको तो है। पर ऐसे भी लोग हैं इस पृथ्वी पर जो वेद लक्षणा गौ माता के तपोबल का प्रभाव प्रसारित करने के लिए अपने आप को इतने कठोर तप में तपा रहे हैं। कितने सपाटे लगा लेते हो आप 1 घंटा में? आओ सपाटे पगड़ी वाले लगाते हैं क्या तुम? तुम आओ तो पेट निकलो। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, जय जय भाई, जय जय, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। का नाम? हाँ देसी टारजन, यही तो हमको बताया, मतलब हमने गलत नहीं बोला। हाँ अच्छा, दोनों दोनों हरियाणा से? वाह वाह, एक बार भाई इनके लिए ताली बजाओ, पहलवान हैं ये, तो सबको दर्शन करवाएंगे, पूरी देश दुनिया को लाइव टीवी पे दिखवाएंगे, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर हरियाणा, भगवान की दया, हमारा बड़ा प्रेम है हरियाणा से। विराजो